यूक्रेन में 16 दिनों से भीषण युद्ध जारी है, न मिसाइल हमले रुक रहे हैं, न यूक्रेन की जमीन पर बमों की बरसात थम रही है। युद्ध का दायरा अब यूक्रेन की सरहद को पार कर चुका है। आज आपको बताएंगे कि चंद घंटों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यह आशंका पहले भी जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब रूस और अमेरिका की जंगी तैयारी आखिरी पड़ाव पर है। आज हम आपको मैदान जंग की विस्फोटक और विध्वंसक तस्वीरें दिखाएंगे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अटल है। अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी भी हम आपको देंगे। यूक्रेन में रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला क्यों बिखर गया, इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी क्या है, आज हम ये भी डिकोड करने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान की जंगी सनक से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तमाम खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 9 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। रूस की सेना अगले चंद घंटों में कीव पर कब्जा कर सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना कीव से महज 15 किलोमीटर दूर रह गई है। तीन तरफ से रूस की फौज कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग हो रही है। रूसी आर्मी को निशाना बनाकर यूक्रेनी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यूक्रेन की फायरिंग से बचने के लिए रूसी सैनिक छिपते नजर आए। कीव पर कब्जे के लिए डोनेक्स पीपल्स रिपब्लिक के लड़ाके भी रूसी फौज के साथ हैं। यूक्रेन के वॉर जोन से सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। डोनबास में रूसी समर्थकों के लगातार हमले जारी है। एक के बाद एक जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया। रूसी समर्थक यूक्रेन के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहे हैं। रशियन आर्मी ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम BM-21 से यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त फायरिंग की है। इस अटैक में महज कुछ ही सेकंड्स में करीब 40 रॉकेट दागे गए। इस अटैक में यूक्रेन की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा। रूस अब तक यूक्रेन पर 775 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। रूस ने यूक्रेन के डिनाइपर शहर पर जोरदार अटैक किया। रूसी अटैक के बाद शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। रूस के हमले से डिनाइपर शहर में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के लुत्सक में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूसी बमबारी के बाद लुत्सक एयरपोर्ट के पास 6 धमाके हुए और पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। धमाके के बाद यहां भीषण आग लग गई। यूक्रेन के मिकोविल में रूस के अटैक के बाद भारी तबाही हुई है। यहां धमाकों के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाकों से पूरा शहर दहशत में आ गया। रूसी अटैक के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। कीव की ओर बढ़ रहे रूसी टैंक्स के काफिले पर यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए बड़ा अटैक किया। इस हमले में रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का दावा है कि इस अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के खारकीव में यूक्रेन के अजोव फाइटर्स पर रूसी समर्थकों ने जोरदार हमला किया। MLRS से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई। मिसाइल अटैक के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया।